भैया जी कुछ ऐसा बता दीजिए कि अगले 20 साल तक हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं कि हमारी पूरी नैया पार लग जाए। मुझे पूरा पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग शेयर बाज़ार में आए हैं जिनके पास शायद फुल टाइम समय नहीं होता कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर सके, स्विंग ट्रेडिंग कर सके, तो वो लोग निवेश या इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडर्स का जो मुनाफा होता है, ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट्स कमाते हैं, उसको वो इन्वेस्टिंग में डालना चाहते हैं। और आज का ये वीडियो सिंपल तरीके से, सरलता तरीके से इन्हीं सारे इश्यूज को एड्रेस करने वाला है कि अगर आपको 20 ईयर ओल्ड पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें किन सारे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए ढेर सारी मिठाइयाँ खाते हुए, बिकॉज दशहरा का त्योहार है, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे जाने से पहले, इससे पहले कि आप बाहर जाके गरबा करना शुरू हो जाए, मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 से 4 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, और हम स्मॉल केस का सहारा लेंगे आज के वीडियो में, जिससे कि आपकी पूरी ये जर्नी काफ़ी आसान हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो कोई भी बात नहीं करता, वो ये समझना है कि शेयर बाजार में पैसा आप शेयर को पकड़ के नहीं बनाते हो, शेयर को सही साइकिल के समय पकड़ के बनाते हो। अब ये बोलोगे ये साइकिल क्या होता है, जो साइकिल अपन चलाते हैं वो नहीं। देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी मेरे दोस्त, शेयर बाजार में कोई भी चीज़ मूव करती है ना तो दे गो इन साइक्लिसिटी। फॉर एग्जाम्पल 2003 से लेकर 2006 के बीच में माहौल था मेटल्स का, जी हाँ, विथ डिविडेंड्स, विथ बोनसेस, विथ स्प्लिट्स, विथ कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर 2003 में आपने टॉप 5 to 6 मेटल स्टॉक्स में से किसी को चूज किया होता तो आपको कोई नहीं रोक सकता था फ्रॉम एन एनुअलाइज सीएजीआर ऑफ 50% प्लस इन दोज 3 ईयर्स, विच इज इनक्रेडिबल। लाइक वाइज अगर आप बात करें तो 2009 से लेकर 2010 के बीच में एक ब्रीफ आईटी साइकिल आया था, जिस प्रकार से 1997 से लेकर 1999 और 2000 के बीच में आया था, ये आईटी का पैक था। उसके बाद एफएमसीजे का आया। हमारे देश में अगर आप देख लेते हैं तो 3 साल तक केमिकल्स का आया था। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही समय पे सही साइकिल्स को पिक कर सकें। और ये साइकिल्स के बारे में मैं वैसे अभी जो हाल फिलहाल में हमने अपना वेबिनार अनाउंस किया उसमें भी बताएंगे, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका दूसरा एस्पेक्ट कि किस तरह से हम साइकिल को पकड़ के कंपाउंड कर सकते हैं, वो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊं, तो कंपाउंडिंग लिख दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। जितने ज़्यादा कंपाउंडिंग देखेंगे उतने जल्दी इस पर वीडियो आएगा। तो पहली चीज़ है इन्वेस्टमेंट साइकिल आइडेंटिफाई कीजिए, दूसरा है साइकिल आइडेंटिफाई कर लिया, अब वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए। हमेशा याद रखिए शेयर बाजार में हमेशा एक समय आता है जहाँ पर प्राइस मिसमैच होता है और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। सिंपल सा उदाहरण है, हमने अपने चैनल पे 2 से 3 बार आईटीसी पे वीडियो बनाए करीब 168 पे। इसका मतलब ये नहीं कि हम मजाक बनाना छोड़ देंगे, हम आज भी प्रयास करते हैं, दिस इज अ हैबिट कि हर हफ्ते हम एक बार एक जोक तो मारे हैं आईटीसी पे, चाहे वीडियो हो चाहे ट्विटर हो कहीं पर भी हो, हम उसको बिल्कुल बरकरार रखते हैं। लेकिन हमने एक चीज कही थी 168 770 के बीच में कि ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू ड्रिवन चीज़ है। प्राइस मिसमैच कैसा था, पूरा मार्केट एक तरफा भग रहा था, आईटीसी वहीं के वहीं था। आपको समझना है अगर शेयर बाजार में आपको बड़ा पैसा बनाना है 10 15 20 साल में, तो इस तरह के प्राइस मिसमैचेस को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब सेंटिमेंट डीपली नेगेटिव होता है, जब पूरे डोमेस्टिक या फिर ग्लोबल मार्केट में केओस होता है, ये तरीके के इंसिडेंट्स आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं टू बाय क्वालिटी एट बार्गेन। आपको 800 रुपये में रिलायंस मिल गया था बिकॉज ऑफ कोरोना, आपको 350-400 रुपए में इंडसइंड बैंक मिल गया था बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट इश्यूज एज वेल एज कोरोना, आपको टाटा मोटर मिल गया था 60-70 के लेवल में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो ये जो वैल्यू आपको होती है वो प्राइस मिसमैच के दौरान बहुत अच्छी होती है, जिसमें आपके पास खोने के लिए कम होता है, पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इस प्रकार से अगर आपके दिमाग में कोई स्टॉक है तो कमेंट्स में जरूर बताएगा। वैसे इन सारी चीजों को आप एक बार समझ जाए तो आप लोग अपना खुद का स्मॉल केस भी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिक एक, मेरे हिसाब से जो आने वाले 15-20 साल, देखिए इसको 1-2 साल में जज मत कीजिएगा, 20 साल के हिसाब से एक छोटा मोटा ठीक ठाक स्मॉल केस जो हो सकता है मैं बनाया। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, जाके आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मॉल केस पे चालू कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमेशा आपको क्वालिटी बार्गेन में जब मिले तब आप लेना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट,
आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि स्टैंडर्ड मार्केट कैप्स को ज्यादा ढूंढिए एज कंपेयर टू स्मॉल कैप्स। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जब हम स्मॉल कैप्स की बात करते हैं तो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत इशू होता है, बैलेंस शीट को फज किया जाता है, पीनल स्टेटमेंट में एडिशनल सेल्स रिकॉर्ड कर दी जाती है जो कि बाद में मटेरियलाइज नहीं होती है, बहुत सारी धंधलियां होती है जिसके चक्कर में एक नॉर्मल व्यक्ति अक्सर इस सारी चीजों में फंस जाता है। आपको ये चीज समझना है कि अगर आपको बड़ा तगड़ा रिटर्न चाहिए तो आपको ढूंढने पड़ेंगे इस तरह के कंपनीज जो या तो मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह के इंडिकेशन मिलते हैं कि जो ऑडिटर है उस कंपनी के वो रिजाइन कर रहे हैं, बैलेंस शीट के फजिंग की खबरें बाहर आ रही हैं, तो भाई साहब माहौल थोड़ा स्कैरी हो सकता है। मोर ओवर स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करने से पहले अगर आपके पास इंटरनल कनेक्ट होता है तो आप शायद ज्यादा चीजें जान सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द कंपनी। अर्थात अगर आपके कुछ कनेक्ट्स होते हैं तो आप एक बेटर पिक्चर में होते हैं उस चीज को गॉच करने के लिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा सावधान रहिए। नेक्स्ट चीज, आप जब भी निवेश कर रहे हो अगले 20 साल के लिए हमेशा देखो प्रमोटर का हिस्ट्री। आपको ये चीज समझनी है। मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में भी कहता हूं कि मैं पैसा घोड़े पे नहीं लगाता हूं, मैं पैसा लगाता हूं जॉकी पे। और वो उस जॉकी की बात नहीं कर रहा हूं जो आपने मैंने और पूरी दुनिया ने पहनी है, मैं बात कर रहा हूं घुड़सवारी वाले जॉकी के लिए, डर्टी माइंड। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी आप निवेश कर रहे हो हमेशा देखिए प्रमोटर्स कैसा है। देखिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दोस्त कि आज के समय पे आप डिजिटली भी चेक कर सकते हो और फिजिकली भी चेक कर सकते हो विद कनेक्शन। डिजिटली कैसे, लिंक्डइन पे जाके चेक कर सकते हो, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो प्रमोटर का नाम डाल के पेंडिंग केसेस कौन से चल रहे हैं, कौन से पास्ट में केस चले हैं, किस प्रकार का उसका आचार विचार रहा है। भैया गूगल ऐसी चीज है कि प्रमोटर्स के जो पॉपुलर हैं उनके 15 20 25 30 40 साल तक की चीजें निकाल देगा, बचपन की फोटो भी ला के दे देगा। तो मेक श्योर आप जब भी एक लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं प्रमोटर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। फाइनली दो और चीजें वो हैं कि आपको बिजनेस आउटलुक देखना पड़ेगा कि फाइनेंस कैसा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है, आउटलुक क्या कह रहा है, ये सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। एंड एट द एंड आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा वैल्यू एवरेज कॉस्ट मेथड। बेसिकली आपका जब जब नीचे आ रहा है बाजार तब तक थोड़ा थोड़ा इस पे निवेश कीजिए जिससे कि आपका लंबे अवधि में बड़ा रिटर्न बन सकता है और कैपिटल एलोकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको शॉर्ट में समझ में आ गया कि अगर 20 साल का निवेश करना तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्मॉल केस डाउनलोड करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।